एक दिन शेख चिल्ली सरसों का तेल बेचने के लिए शहर की तरफ निकला। वह सिर पर तेल का बर्तन रखकर पूरे रास्ते अपने सपनों के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि शहर में मुझे तेल की अच्छी कीमत मिलेगी और जो पैसा मैं कमाऊंगा आखिर मैं उसका करूंगा क्या। तभी वहां से बकरियों का एक झुंड गुजरा। उन्हें देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। शेख चिल्ली ने सोचा, मैं एक बकरी खरीद सकता हूँ, बकरी के बच्चे होंगे फिर उनके भी बच्चे होंगे और इस तरह से मैं ढेर सारी बकरियां अच्छे पैसे में बेचकर एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। शेख चिल्ली को फिर चिंता सताने लगी कि आखिर इतना पैसा मैं करूंगा क्या। तभी वहां से मवेशियों का झुंड गुजरा। फिर तो शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सोचने लगा, अरे हाँ, मैं उस पैसे से एक गाय खरीद सकता हूँ, गाय मुझे दूध देगी, मैं दूध बेच दूंगा और फिर उस पैसे से मैं एक खेत खरीदूंगा, मैं खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल भी खरीदूंगा, फिर मैं फसल उगाऊंगा और एक लड़की से शादी करूंगा। शेख चिल्ली चलते चलते सपने देखता अपनी धुन में शहर की तरफ चला जा रहा था। तभी दुर्भाग्य से वह सड़क पर सामने खड़े रेड़े बैल से जा टकराया। बैल से टकराने के बाद शेख चिल्ली जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से उसके सिर पर रखा बर्तन भी नीचे गिरकर टूट गया और उस बर्तन का पूरा तेल जमीन पर फैल गया। वह बैल को कोसने लगा और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, हे मूर्ख जानवर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपना तेल खो दिया, मैंने बकरी खो दी, मैंने गाय खो दी, मैंने अपना खेत और अपने बैल खो दिए, मैंने तुम्हारी वजह से अपना सब कुछ खो दिया। बेचारा शेख चिल्ली इतना होने के बाद अपनी किस्मत को कोसता हुआ उल्टे पांव अपने घर की ओर लौट आया। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।